नमस्कार दोस्तों, अपने घर को अच्छे से सजाना किसको नहीं अच्छा लगता है। अगर वो भी हो जाए एक बजट में, फिर तो बात ही अलग है। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे एक बजट पे रह के भी मैंने मेरे रूम को सुंदर सा मेकओवर दिया। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले मेरा रूम कुछ ऐसा दिखता था। वैसे तो ठीक ठाक ही था, पर मैं थोड़ा बोर हो चुकी थी ये सेम सेटअप से, तो इसीलिए मैं इसको एक बहुत ब्राइट सा, एक वाइब्रेंट सा, कलरफुल सा लुक देने वाली थी। तो इसीलिए मैं पहले ही चली गई पेंट शॉप में। चलिए देखते कौन सा कलर दीवार पे अच्छा लगेगा। तो ये पेंट शॉप में आते ही ये अंकल ने मेरे हाथ पे ये ड्यूलक्स का शेड कार्ड थमा दिया। तो उससे मैंने सेलेक्ट किया ये ब्यूटीफुल सा समर सन वाला कलर, और उसके साथ मैं ये वाला वाइट कलर भी लेके आई। ठीक है, क्योंकि वे वाइट और येलो मिला के भी एक अच्छा कलर बन सकता है। ओके, तो ये मैं कर रही हूँ प्राइमर। ये 3 लीटर प्राइमर लगा मेरे रूम का। तो वैसे तो मेरा रूम बहुत छोटा है, इसलिए 3 लीटर में हो गया। तो प्राइमर लगाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा था। अब जो मैं वाइट पेंट लेके आई थी और ये समर सन कलर मिला के मैंने एक अच्छा सा, सुंदर सा, बटरी सा कलर बना लिया। देख सकते हैं आप वाइट का और इसका डिफरेंस। ये वाला जो कलर है ना, मैं उसको तीनों वॉल में करने वाली हूँ। ये ब्लू वाला वॉल हुआ करता था पहले, और जो चेस वॉल था मेरा, चेस बोर्ड बना हुआ था जिस वॉल पे, वहाँ पे मैं कर रही हूँ ये वाला समर सन कलर। ठीक है, ड्यूलक्स ही है ये वाला पेंट। अब हम वॉल पे पैटर्न बनाने वाले हैं इस स्टेंसिल की हेल्प से। अब देखिए, मैं मास्किंग टेप की हेल्प से इसको सिक्योर कर ली हूँ। अब इसके अंदर जो खाली जगह है, सिर्फ उसको फिल करते जाना है, बस इतना ही। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा पेशेंस भी चाहिए होता है, पर मैं आपको बताती हूँ एंड रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये बहुत सुंदर एक पैटर्न आपके वॉल पे बन के तैयार हो जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, ये स्टेंसिल एक बार सिक्योर होने के बाद अगर थोड़ा सा हिल जाए तो आपका डिज़ाइन ख़राब हो सकता है, तो ये बात सब ध्यान पर रखना। और ये देखिए, हमारा पैटर्न पूरा रेडी है। ऐसे ही हम पूरा वॉल पे कंटिन्यू करते जाएंगे। अगर आप चाहो तो आप हाथ से भी ये ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो। ठीक है, एक आप स्टेंसिल बैठा के देख लो डिज़ाइन का क्या मेजरमेंट है, क्या है, फिर आप ये देख देख के भी कर सकते हो, जैसे कि मैं इधर कर रही थी। और रेडी होने के बाद ये पूरा वॉल कुछ ऐसा दिख रहा था। ये अलमीरा का जो कलर था ना, ये मेरे रूम के कलर से बिल्कुल नहीं जा रहा था, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं ये वाला वॉलपेपर इंस्टॉल करूँगी अलमीरा के ऊपर। ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा 200 रुपये में। और ये वॉलपेपर के साथ ना एडहेसिव भी आता है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये एडहेसिव को धीरे धीरे निकालते जाना है। ठीक है, और एक ऐसे स्मार्ट कार्ड की हेल्प से आपको ये प्रेस करते जाना है, जैसे कि कोई बबल ना आ जाए। ठीक है, प्रोसेस वैसे इजी है, पर आप चाहे तो किसी का हेल्प लेके कर सकते हैं ये। ठीक है, और देखिए ये वॉलपेपर मेरे अलमीरा को पूरा नया बना दिया है, और ये कितना सुंदर भी लग रहा है। और अभी ये अलमीरा मेरे वॉल के साथ भी कितना अच्छे से जा रहा है, तो आप देखिए कि अब मैं डेकोरेट कर रही हूँ मेरा अलमीरा का लेफ्ट साइड वाला शेल्फ को। ठीक है, यहाँ पे जो आप ये फिश वॉल हैंगिंग देख रहे हैं, ये बहुत पहले मैं बना के रखी थी। ठीक है, और ऊपर मैं थोड़ा प्राइजेस रख रही हूँ। ठीक है, और आप देखिए ये वाला जो पेंटिंग है, ये मेरा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। और ये छोटू सा जो प्लांट है, ये इंडोर प्लांट है, मुझको ये मीशो से मिला था, 4 का सेट है, बहुत सस्ते में पड़ा था। ठीक है, और यहाँ पे मैं सारी वो जो फ्लावर वास होता है, बॉटल आर्ट होता है, मैं बनाई थी बहुत पहले, ये सब मैं रख रही हूँ। ये वाला भी ब्लू बॉटल का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है ऑलरेडी, आप चाहे देख सकते हैं। ये वाला ट्री का भी वीडियो अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे छोटी मोटी चीज़ों से मैं डेकोरेट कर रही हूँ, नहीं चाहिए होता है घर डेकोरेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं एक जेन कॉर्नर बना रही हूँ। ये बुद्धा जी को मैं रख रही हूँ इधर, और ये दोनों कैंडल रख रही हूँ, और इस साइड में मैं दोनों ऐसे इंडोर प्लांट रख रही हूँ, सामने थोड़ी बहुत कैंडल्स वगैरह,
और ये मेरा जेन कॉर्नर बन के तैयार है। और ये देखिए शेल्फ हमारा अभी पूरा डेकोरेट हो चुका है। अब मैं वॉल पे फ्रेम्स इंस्टॉल कर रही हूँ, ये आपको अमेज़न में मिल जाएगा, ठीक है। पहले में मैंने रखा बहुत पुराना एक नेक पीस, मैं ये बनाई थी लॉकडाउन में, ठीक है। उसके बाद मैं रखी मेरे मासी की बनाई हुई ये वाला चीज़, ये बहुत पुराना है। और ये है पथेर पाचाली फिल्म का बहुत फेमस ट्रेन सीन का फ्रेम बनाया मैंने। ये एक साड़ी का बॉर्डर है। और ये वाला मैं एक सुंदर सी बैग का सामने वाला हिस्सा कट करके इधर फ्रेम किया, वो बैग ख़राब हो चुकी थी। तो देखिए इधर कितना सुंदर एक अच्छा सा क्लासी सा वॉल हमारे पास तैयार है। अब ये कैटल पे मैं रख रही हूँ ये वाला हैंगिंग प्लांट, मैं ये गरियाहाट से लेके आई थी 200 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे रख रही हूँ, बहुत सुंदर दिख रहा है ये मैं शेल्फ के ऊपर रखूँगी, बुक शेल्फ के ऊपर। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है सुंदर सा कर्टन, ये मुझको मीशो से मिला था, ये इतनी अमेजिंग क्वालिटी का है और ये हैंडमेड है, ठीक है, बहुत सुंदर है ये। अब आती है बारी बेडशीट की, और बेडशीट एक ऐसी चीज़ है जो आपके रूम को पूरा एक नया लुक दे सकती है, ठीक है। और ये बेडशीट मुझे मिली थी मीशो से, मैंने होम डेकोर जितना भी ऑर्डर करी है मीशो से बहुत अच्छा ही निकला है, ठीक है। और ये बेडशीट भी आप देख सकते हैं कितना सही क्वालिटी का है, ठीक है, मेरे वॉल के साथ भी कितना अच्छे से जा रहा है, ठीक है। और कुशन कवर के बिना होम डेकोर कैसे कंप्लीट हो सकती है, ये वाला कुशन कवर मुझे मिली थी अमेज़ॉन से। ये कुशन कवर 5 के सेट में आई थी और ये बहुत सुंदर से एक फेस्टिव लुक देती है। देखिए फेस्टिव सीज़न तो आ ही गया है और दिवाली डेकोर भी करेंगे आप सब, ठीक है, तो उसमें ये वाला कुशन कवर बहुत सही दिखेगी। और इधर मैंने कारपेट भी ऐड कर दिया, और कारपेट के ऊपर मैं रखी हूँ ये वाला पूफ, और ये पूफ ऐड करते ही बहुत अच्छा से एक सीटिंग एरिया बन गया है। यहाँ पे बैठ के मैं अच्छे से मेरी शांति से मॉर्निंग टी पी सकती हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के कुछ काम भी कर सकती हूँ, ये कोजी सा कम्फी सा सीटिंग बन के तैयार है। उसके साथ मैं ये वाला वॉल को एक बार आपको पूरे तरीके से दिखा देती हूँ। ये है मेरा अलमीरा, ये है उसके पास का शेल्फ, एंड फिर उसके बाद है मेरा डोर, और ये वाला वॉल पे है मेरा मिरर और ये बुक शेल्फ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे मेकओवर में आपकी कौन सी वाली पार्ट फेवरेट है। ये मेकओवर करने में मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगा और बहुत प्यार से मैंने ये वीडियो बनाई है, अगर आप बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगी। मैं आशा करती हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, शांति से रहिए।